किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राधा मोहन गोकुल जी की पुस्तक ईश्वर का बहिष्कार की ऑडियो रिकॉर्डिंग का 10वां भाग। इस अध्याय का शीर्षक है धर्म और ईश्वर। ये लेख पत्र भविष्य में जुबली अंक के तहत अक्टूबर 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जब हम पूछते हैं कि आपका धर्म संबंधी ज्ञान किस आधार पर है, तो उत्तर मिलता है कि पहले तो वो विश्वास करने के योग्य है, क्योंकि हमारे बाप दादे आदि काल से ही उसे मानते और उस पर विश्वास करते आए हैं। दूसरे, हमारे पास पुस्तकीय प्रमाण है जो बहुत प्राचीन समय से हमारे पास चले आते हैं। तीसरे ये कि धर्म और ईश्वर के मामले में शंका करना मना है, बहुत बुरा है। अब पाठक स्वयं देख लें कि पहली और तीसरी बातें इतनी वाहियात हैं कि कोई भी सज्ञान प्राणी इनको सुनकर हंसे बिना नहीं रह सकता। दूसरी बात, पुस्तकों या शब्द प्रमाण वाली रहती है, इसका भी कोई प्रमाण मान्य नहीं हो सकता जब तक ये सिद्ध न कर दिया जाए कि ये पुस्तकें ऐतिहासिक प्रमाण कहलाने और मानने के योग्य हैं। ऐतिहासिक प्रमाण किसे कहते हैं, इसको जानने के लिए विद्वानों ने बड़ी बड़ी पुस्तकें महत्वपूर्ण विचारों के साथ लिखी हैं, और हमारी प्रज्ञा उन कसौटियों को जो इन पुस्तकों में है ग्रहण भी करती है। हमें संसार की धार्मिक पुस्तकों में से कोई भी ऐसी नहीं मिली जिसे हम ऐतिहासिक प्रामाणिकता की सनद दे सकें। फिर ये कहना कि धर्म में शंका करना ही उचित नहीं है, धर्म की सारी पोल खोल देता है। हमें तो सत्य ग्रहण और असत्य के परित्याग को हमेशा तैयार रहना चाहिए, यही मानवीय ज्ञान का महत्व है। ये कहना मूर्खता है कि अमुक पुस्तक में स्वयं ईश्वर या अल्लाह ने अमुक बात लिखी है, इसे मान लो। कोई कोई आदमी कह देते हैं कि ईश्वर और धर्म का मर्म हमारे मन और मेधा के बाहर की बात है। इसके उत्तर में सिवा इसके और क्या कह सकते हैं कि तब तो ये विषय पागल खाने के लोग ही ठीक समझ सकते हैं। धर्मान लोगों ने धर्म के नाम पर बड़े बड़े अत्याचार उन सत्यवादियों पर किए हैं जिन्होंने उनकी तर्कहीन कल्पनाओं को सत्य मानने से इनकार किया है। हमारे पास यूरोप, अरब और भारत के धार्मिक लोगों के अत्याचार के ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत हैं, और आज भी धर्म के नाम पर की जाने वाली नर हत्याओं को आंखों देखने वाले साक्षी हैं। अतः हमारा विश्वास ईश्वर और धर्म की निर्मूलता पर और भी दृढ़ हो जाता है। पुनः हम धर्म के निर्दिष्ट मतों, मूल सूत्रों या सिद्धांतों पर केवल विवेक दृष्टि से विचार करते हैं तो भी कहना पड़ता है कि धर्म के सारे सिद्धांत भ्रम मूलक हैं, उनका प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए उनके सत्य मान लेने के लिए कोई बाध्य नहीं हो सकता, न किसी को विश्वास करने के लिए दबाया जा सकता है। कोई कोई तो इतने असंभवनीय और संसार की उन सच्चाइयों से दूर हैं जिसे मनुष्य ने बड़े श्रम से ढूंढा और समझा है। उनमें से बहुतों की सच्चाई के मूल्य का निर्णय हो ही नहीं सकता, न हम उन्हें सत्य सिद्ध कर सकते हैं, उनका खंडन करके असत्य प्रतिपादित कर सकते हैं। संसार की पहेली को हम धीरे धीरे खोज करते करते जानते जाते हैं, लेकिन बहुत ऐसी बातें हैं जिनका स्पष्ट उत्तर देना विज्ञान के बल के बाहर है। लेकिन वैज्ञानिक क्रिया ही एकमात्र साधन हमारे पास है जिससे हम बाह्य सत्य का ज्ञान पा सकते हैं। ये आशा करना भी भ्रम है कि हमें स्वानुभूति से, योग की समाधि से कुछ मालूम हो सकता है, इनसे सिवा विशिष्ट अवस्था के और कुछ नहीं जान पड़ता। इस प्रकार के विशिष्ट भावों का व्यक्त करके बताना भी दुस्साध्य होता है। धार्मिक सिद्धांतों से हमारे मानसिक जीवन की भी कोई विश्वस्त बात नहीं मिलती, किसी बात का कोई जवाब उपनिषदें देती हैं, वो घोर तिमिराच्छादित शब्दों में। इनके स्पष्टीकरण में लोग अपनी टांग अड़ा देते हैं, ये सर्वथा अनुचित है। हमारे प्रतिपक्षी ये शंका कर सकते हैं कि जब तुम धार्मिक अनेक सिद्धांतों का यथावत खंडन नहीं कर सकते और संसार का विज्ञान बल अभी तक कच्चा ही है, तो फिर हम उन पर विश्वास क्यों न कर दें?
क्योंकि जनश्रुति, परंपरागत दंत कथा और बहुत बड़ा लोकमत और बहुकाल व्यापी मनुष्य जाति के ज्ञान का भंडार और धर्म जनित संतोष हमारे पक्ष में है। हमें अधिकार है कि हम ऐसी बातों का आंख बंद करके विश्वास कर लें अथवा बिल्कुल विश्वास न करें। हम तो इतना ही कहेंगे कि आप अपने को धोखे में डालकर ये न समझ बैठे कि आपका ये तर्क आपको विशुद्ध निर्णय की ओर ले जा रहा है। अज्ञान अज्ञान ही है, उसे किसी बात को मान लेने या विश्वास करने का अधिकार नहीं होता। यही कह सकते हैं कि ये बात अभी तक अनिश्चित है। हमने देखा है कि लोग धर्म को नहीं मानते पर अपने आप को और दूसरों को धोखा देते हैं कि हम धर्म के बड़े पक्के मानने वाले हैं। धर्म के मामले में हम मुक्त कंठ से कह सकते हैं कि लोग बड़े ही कपटी, कुटिल और चतुराई से अनाचार करने वाले होते हैं। बड़े बड़े पंडित या दर्शनज्ञ शब्दों और वाक्यों का मनमाना अर्थ खींचतान कर लगा लेते हैं, यहाँ तक कि मूल का नामोनिशान तक बाकी नहीं रहता। ईश्वर का ऐसा अनिश्चित कल्पित अर्थ कर देते हैं जो बुद्धि के बाहर होता है और ईश्वर भक्त बन बैठते हैं। बहुतों को हमने द्रव्यगत शक्ति को ही ईश्वर कहते पाया है, यद्यपि इन कई कल्पनाओं से उस सर्वशक्तिमान, दयालु, न्यायकारी ईश्वर का पता ही नहीं रहता जिसकी धर्मों ने कल्पना की है। जो मनुष्य इस बहुत बड़े अज्ञेय विश्व में अपने को तुच्छ और सर्वथा निर्बल समझता है, उसे लोग बड़ा धार्मिक मानते हैं, किंतु ये तो धर्म के भाव का विधायक लक्षण नहीं है। धर्म तो वो है जो इसके विरुद्ध होकर इस भाव को हटाने का इलाज ढूंढे, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर तो सब जानता है। अच्छा उपासक धर्म के बल से इस अज्ञान को हटा सकता है, अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो स्वयं ईश्वर की इनकारी है। ये तो नास्तिक भी कहता है कि मैंने प्रकृति के सारे भेद नहीं जान पाए हैं और इस महान विश्व में एक अकिंचन प्राणी हूँ। बात वास्तव में ये है कि ईश्वर और धर्म की कल्पना प्राचीन काल के कम ज्ञान वाले लोगों ने भय और अज्ञान के कारण की है, अपने लिए एक मिथ्या अवलंब स्थापित किया है और बाद में स्वार्थी लोगों ने अपना मतलब गांठने के लिए उसे खूब दृढ़ किया और रंगा। इन बातों को सुनकर हमारे बहुत से भोले भाई कह उठते हैं कि अगर धर्म और ईश्वर भ्रम है तो आपकी और सामाजिक नैतिक बातें भी भ्रमात्मक हैं। लेकिन अगर वो क्रोध में कहते हैं तो हमारे पास कोई उत्तर नहीं। अगर वो ये बात सच्चे मन से कहते हैं तो हमारा उत्तर सीधा और सरल है। जिन बातों की सच्चाई को हम तर्क की कसौटियों द्वारा जांच कर सकते हैं, अपने प्रत्यक्ष अनुभव से कार्य के फल को देखकर जान सकते हैं, उनमें और निराधार मन कल्पित धर्म में बड़ा अंतर है। हमें मनुष्यों की रक्षा के लिए या अपने ही देश की जनता की रक्षा के लिए संस्कृति की रक्षा की जरूरत है। समयानुसार इस संस्कृति में हेर फेर भी होता रहता है। यहाँ कोई बात आंख बंद करके मान लेने की नहीं होती, न तर्क वितर्क या विरोध समर्थन की रोकथाम है। इसलिए हम संस्कृति को धर्म की तरह भ्रम मूलक नहीं मान सकते। अगर ये कहा जाए कि धर्म के सिद्धांतों और परमात्मा के न्याय और सर्वशक्तिमत्ता में संसार के अधिकांश लोगों का आत्मविश्वास है, इसके हट जाने से लोग असामाजिकता के भावों से भर जाएंगे, निडर और निसंकोच होकर मनमानी करने लग पड़ेंगे, तो सारा समाज खंडबंद हो जाएगा। हजारों वर्ष की बनी संस्था के टूट जाने से अनेक खराबियां फैलेंगी और सारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। इसीलिए अगर ये मालूम हो भी जाए कि धर्म में सच्चाई नहीं है तो भी हमें ये बात दिल में ही रखनी चाहिए। धर्म और ईश्वर को हटाकर तुम जनता की शांति और संतोष के लिए उन्हें दूसरी कौन सी चीज दे सकते हो? हमारा तो ख्याल ये है कि मिथ्या ईश्वर और धर्म की संस्थापना के लाभ के बदले हानि ही होती है। हमसे पहले भी बहुत लोगों ने इस विषय पर लिखा है, किंतु उससे कहीं की भी संस्कृति का मटियामेट नहीं हुआ। इस युग में अज्ञान का पर्दा फटने लगा है। लोग धर्म और ईश्वर को निर्मूल और भ्रमात्मक होना समझने लगे हैं। जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, पहले समय में ना अब कोई इन पर पूरा विश्वास नहीं रखता है। लाखों या हजारों वर्षों से कल्पित धर्म और ईश्वर के बनावटी भय ने संसार पर शासन किया, उससे जो कुछ लाभ या हानि होनी थी हो ली। अब तो हम देखते हैं कि मनुष्यों की बड़ी संख्या इस संस्कृति से जो धर्म के आधार पर है दुखी हो रही है और इस असह्य भार को अपने सर पर से उतार कर फेंक देना चाहती है। ये लोग अब अपनी सहज समझ के ऊपर बंधन रखना नापसंद करते हैं और इस संस्कृति से संबंध विच्छेद करना चाहते हैं। हमारे विरोधी कह सकते हैं कि विज्ञान विज्ञान की पुकार से और विज्ञान की क्रमशः अग्रसरता से
समाज की ये दशा हुई जो बहुत शोकजनक है। लेकिन हम तो देखते हैं कि जब धर्म का पूरा आतंक था, जब धर्म याजक ही शासन करते थे, तब लोग अधिक दुखी थे। आजकल धर्म का फंदा ढीला पड़ने से लोग खुले में सांस लेने लगे हैं और अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। पुरोहित लोग भी संसार की प्रगति देखकर धर्म के ढकोसले की कड़ाई को ढीला करने पर मजबूर हो गए हैं। इसके प्रमाण हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी धर्मों में पाए जाते हैं। हमने यहाँ उदाहरणों से अपने छोटे से लेख को बढ़ाना उचित नहीं समझा। प्रायश्चित, कफारा और पीनेंस का अर्थ ही है बंधन को ढीला करना या मूर्खों से माल ऐंठना। कुछ भी हो, पर धर्म का बंधन ढीला जरूर हुआ और होता जा रहा है। ईसाइयों में एक संप्रदाय है जो संभवतः रूस में अधिक पाया जाता है। ये समझता है कि पाप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उसके ईश्वर की पूरी दया, आशीर्वाद और क्षमा का उपभोग असंभव है। मुसलमानों का खुदा भी बड़ा मुआफ करने वाला है। हिंदू तो मिनट मिनट पर अपने पूर्वकृत अपराधों को धोकर बहा सकते हैं। इसलिए ईश्वर और धर्म से बुराइयों की रोकथाम नहीं हुई, ना हो सकती है। ऐसे आदमी बहुत हैं जो बुराई करने से ईश्वर से तभी तक डरते हैं जब तक उन्हें कोई देखता हो। अगर कोई आदमी न देखता हो तो ईश्वर को ताक पर रखकर सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए समाज ईश्वर से बहुत बड़ी चीज है। हम तो रात दिन पादरी साहब, मौलवी साहब और पंडित महोदय को यही पुकारते सुनते हैं कि अब धर्म का ह्रास हो रहा है, लोगों में ईश्वर का डर कम होता जाता है, धर्म कार्यों के लिए रुपया नहीं मिलता, चढ़ावा कमाता है, कथा और मालूद में पहले की सी भीड़े नहीं होती। ज्ञातव्य यह है कि ज्यों ज्यों विद्या बुद्धि बढ़ती जाती है, विद्या सुलभ होने के कारण अधिक आदमियों में फैलती जाती है, त्यों त्यों ईश्वर का डेरा दूर हटता जाता है। अब बेचारा रोग शैया पर पड़ा अपने जीवन की घड़ियां गिन रहा है। लेकिन ये तो हंसी मात्र है। ना ईश्वर कभी था, ना है और ना हो सकता है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि जब लोग ये समझ लेंगे कि समाज के नियमों को तोड़ने से उनकी भी हानि है, अगर हम किसी को मार डालेंगे तो उसके परिवार के लोग हमें मार डालेंगे, तो समाज में मारकाट सर्वत्र फैलकर मनुष्य का सामाजिक जीवन दूभर कर देंगी। ये ज्ञान मनुष्य को बुराई से रोकता है, और ज्यो ज्यो ज्ञान बढ़ेगा त्यों त्यों अधिक रोकेगा। ईश्वरीय भय का पता उपसारों, खानकाहों, ननरीज, मंदिर, मस्जिद और गिरजों में कुछ दिन रहकर देखो तो ठीक ठीक मिल जाएगा। अगर कहोगे कि किसी की हत्या मत करो, इससे ईश्वर अप्रसन्न होगा और इस लोक और परलोक में तुम्हें दंड मिलेगा, तो तुम्हारी कोई न सुनेगा। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब यह ख्याल अच्छा है। महाकवि गालिब। इसलिए अशिक्षित जनसमूह को चाहे ज्ञानवान और समझदार बनाकर बुराइयों से रोकें, चाहे लठ के बल पर उन्हें पशुओं की तरह हांकते रहें, ईश्वर और धर्म से कुछ होना जाना नहीं है। हम मानते हैं कि जनता को शिक्षित बनाने का काम एक तो श्रम साध्य है, दूसरे धन पात्र। धर्मयाजक और सरकार इन्हें वास्तविक संज्ञान प्राणी बनाना नहीं चाहती। नहीं तो हमारे सामने रूस है, जिसे हम हूस कहा करते थे। रूस में 1917 के पहले शिक्षितों की संख्या भारत से भी कम थी। आज शिक्षितों की संख्या वहाँ संसार के सब बड़े देशों से अधिक है। अगर आज हम न्यायालयों को हटा दें, तो मालूम हो जाए कि ईश्वर और धर्म मनुष्य समाज की कितनी रक्षा करते हैं। आज भी ज्ञान वृद्धि होने पर लोग अपनी वासनाओं और इच्छाओं के ऐसे दास हो गए हैं कि समाज के नियमों को तोड़े बगैर नहीं रहते। तो पिछले समय के कम ज्ञान वाले लोग ज्यादा उद्दंड और प्रचंड होंगे, इसमें संदेह नहीं। इन्हें सदा संस्कृति के नियमों को पालन करने के लिए दंड बाध्य करता रहा है, न कि कल्पित ईश्वर और निर्मूल धर्म। बालक हवा से डर जाता है, लेकिन जवान होने पर वो उसकी शक्ति को समझ जाता है। लड़कियां गुड़िया खेल सकती हैं, पर युवतियां गुड़ियों का खेल पसंद नहीं करती। अब संसार में ईश्वर और धर्म का तमाशा बहुत दिन तक नहीं टिक सकता। कल मुझसे एक लड़के ने प्रश्न किया, आपकी बात सत्य होने पर भी यदि कोई ईश्वर और धर्म को माने तो आपकी इसमें हानि क्या? मैंने हंसकर कहा कि मेरे वैयक्तिक हानि का प्रश्न नहीं है, न मैं किसी पर दबाव डालता हूँ कि मेरी बात मान ही ले। यहाँ बात है समाज के हानि लाभ की। उन्हीं लोगों को इससे हानि पहुँचती है जो इस भ्रम में पड़े हैं। बात को बिना समझे मान लेने और उसके अनुकूल चलने में ज्ञान की वृद्धि रुकती है। ईश्वर और धर्म के नाम से जो समय नष्ट किया जाता है, वो समाज सेवा में लगाया जा सकता है।
झूठे भय से काम करने की अपेक्षा सच्चे भय और भाव से काम करना अधिक अच्छा और पवित्र है। समाज को सुसंगठित और श्रृंखलित करने के लिए हमें समाज के नियमों को ज्ञान के आधार पर मानना उचित है और कल्पित ईश्वर के भय से डरना बच्चों की तरह झोली वाले बाबा जी से डरना है। एक ज्ञान की जागृत अवस्था है और दूसरी अज्ञान की निद्रित परिस्थिति है। जो लोग ईश्वर और धर्म पर विश्वास न रखकर अपने मतलब के लिए रात दिन झूठ बोलते हैं, ठगी करते हैं, आदमी की दृष्टि बचाकर किसी भी समाजद्रोही काम को कर लेते हैं, वो दूसरों को ईश्वर और धर्म का भय दिखाते फिरते हैं, क्या ये प्रत्यक्ष जनता को धोखा देना नहीं है? ये कहना गलत है कि लोगों के जी से ईश्वर का भय निकाल देना समाज को नष्ट भ्रष्ट कर डालेगा। ऐसा ही फ्रांस के विद्वान वोल्टेयर ने भी कहा था कि अगर ईश्वर न हो तो हम एक ईश्वर की कल्पना करके रखेंगे, क्योंकि साधारण जनसमूह को ईश्वर की जरूरत है। लेकिन इसका ठीक उत्तर एक रूसी विद्वान मिकाइल बेकुनिन ने यह दिया है कि अगर ईश्वर हो भी तो हम उसे अर्धचंद्र देकर निकाल बाहर करेंगे, क्योंकि वो बुराइयों की जड़ है। इस विवाद को हम अच्छी तरह समझ लें तो कूटनीति के आसरे हमें ईश्वर को बनाए रखने की हानि और सच्चाई के निमित्त उसे हटा देने के लाभ भी स्पष्ट हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। कल्पित ईश्वर ने चाहे सहस्त्रों वर्ष पहले जंगली लोगों को कितना लाभ पहुंचाया हो, परंतु आज तो हमें उससे हानि ही हानि नजर आती है। हमारा विपक्षी कहता है, आप तो ऐसी बदतो व्याघातपूर्ण बातें कहते हैं जिनमें परस्पर सामंजस्य नहीं दिखता। एक ओर तो आप कहते हैं कि मनुष्य अपनी सहज समझ और वासनाओं से प्रेरित और शासित होता है, उन्हीं के अनुसार चलता है, बुद्धि और ज्ञान का अनुमान करना कम पसंद करता है। दूसरी ओर यह भी कह जाते हैं कि बुद्धि और ज्ञान के आधार पर संस्कृति की रक्षा करते रहो, उसका साथ देते रहो। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि फ्रांस की क्रांति में धर्म को हटा दिया गया था, पर यह बात चल न सकी। अब रूस ने धर्म का पूरा बहिष्कार किया है, देखें यह बहिष्कार कितने दिन चलता है। सच तो ये है कि मनुष्य धर्म बिना जी ही नहीं सकता। आप कहते हैं कि धर्म एक रोग है जो मनुष्य की नाड़ियों को बेकार कर डालता है और वो मनुष्य के भीतर घुस बैठा है। इस रोग के हटाने में ही भलाई है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि इस रोग को दूर कर देने से और कौन कौन से घातक रोग मनुष्य में घुस बैठेंगे। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत राधा मोहन गोकुल जी की पुस्तक ईश्वर का बहिष्कार की ऑडियो रिकॉर्डिंग। ये इस पुस्तक का 10वां भाग था। राधा मोहन गोकुल जी की 4 पुस्तकें राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने प्रकाशित की हैं। इस पुस्तक के अतिरिक्त जो और 3 पुस्तकें हैं वो हैं लौकिक मार्ग, धर्म का ढकोसला और स्त्रियों की स्वाधीनता। आप चाहें तो जनचेतनाbooks.org वेबसाइट पर जाकर ये किताबें मंगवा भी सकते हैं। सहकार रेडियो के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर ताज़ा कार्यक्रमों की अपडेट पाने के लिए अपने अकाउंट से 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। आप हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल भी लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम टेलीग्राम और सिग्नल पर भी उपलब्ध हैं। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट sahakarradio.com देखें। तो पुस्तक की अगली कड़ी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मुझे यानी पवन को नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।